Dear students, welcome on RC online Parsala. Now we start check complex number is or not. मतलब अपने को ये जांच करना है कि ये आपको जो गिवन पॉइंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं. तो देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको एक दो चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना. देखो, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बोला था मैंने, जिसमें एक्स है और वाई, ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों रियल नंबर होने चाहिए. अब हम चेक करेंगे कि ये इसमें कौन रियल है कौन रियल नहीं है. उससे पहले मैं बता दूं कि x प्लस आयोटा वाई में x और y क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए. और एक बात और क्लियर कर दूं कि जिस प्रकार से हम 2D में किसी भी पॉइंट को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे 2,3 लिख दिया, ऐसे ही वो तो किस में होगा, कार्टेशियन प्लेन में लिखा जाता है. टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल में क्या होता है, जैसे आपने A1, चलो थ्री डायमेंशनल तो छोड़ो एक बार के लिए, आप 2D में 10th क्लास में पॉइंट कैसे लिखते थे, 2,3, वो आप ऐसे इसमें भी ले सकते हो. कैसे लिखोगे, x, y. यहां पे बस फर्क इतना है कि ये किस में आएगा, आर्गन प्लेन में आएगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन. देखिए, ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा नया है लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से समझना है कि z इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, जिसमें x और y दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए. जिस प्रकार से आप 2D में ऐसा पॉइंट लिखते थे, ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन होता है जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो तब, तो उसमें क्या होगा, पहला क्या है x और दूसरा क्या है y. तो इसका मतलब क्या हुआ, x और y दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर. आपका अगर ये रियल नंबर है तो 100% जो भी पॉइंट आपको दिया जाएगा उसका पता लगा सकते हो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं. तो अपने को चेक क्या करना है, देखो ध्यान देना, 5,2, देखो ये रियल नंबर होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है. रियल क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो सेट होता है वही रियल नंबर होता है. तो ये पॉइंट रियल है और ये भी क्या है, रियल है कंप्लीट. उसके बाद देखो 5,e, तो ये क्या है, ये भी रियल है और ये भी क्या है, रियल है. तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये रियल और ये रियल है. रेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, लेकिन है तो रियल ही ना. अगली बात समझ में, दोनों रियल नंबर है इसलिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा, उसको ध्यान से देखना. तो इसका मतलब आपने चेक किस किस को किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. उसके बाद देखो, आप पढ़ते हो √a (√b) क्या होता है, √ab. ध्यान देना, इनमें एटलीस्ट वन क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट वन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब ए और बी है उसमें से एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये केस बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा. तो सुनो ध्यान से, ध्यान देना, अगर आपको कहीं भी मिलता है इस तरीके से और इस तरीके से मिलता है तो आप इसे √ab नहीं लिख सकते. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको बहुत ध्यान रखना है. ये सब चीज के साथ ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है. देखो एक मिनट के लिए, √-a है तो इसको आप क्या लिखोगे, a (-1) ऐसा लिखोगे, तो क्या करोगे, √a और √, √(√-1), तो यहां क्या आएगा, आयोटा, और यहां पे क्या होगा, √a, कंप्लीट. उसके बाद देखिए अगला, ये समझ में आया, -a, ये a इंटू
माइनस वन, ये रूट ए हो गया और यहां से माइनस वन क्या होगा, स्क्वायर रूट में जाएगा और यहां से क्या होगा, देखो ये क्या होता है आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर रूट है। ऐसे ही आप क्या करोगे, ध्यान देना, इसको लिखोगे तो ये क्या आएगा, आयोटा रूट बी आएगा। देखो भाई ये था ऐसा तो इसके आगे आयोटा आया क्या नहीं आया, अब ऐसे ये है तो इसके आगे आयोटा आया क्या नहीं आएगा, तो ध्यान दो नाउ क्या होगा, माइनस ए इंटू माइनस बी का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो इसका क्या आया आयोटा रूट ए, आयोटा रूट ए, और इसका भी क्या आया आयोटा रूट बी, तो देखो क्या आया आयोटा स्क्वायर रूट ए रूट बी हो गया। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस एक, और इसको क्या लिख सकते हो स्क्वायर रूट ए बी, तो क्या निकल के आया माइनस का ए बी, क्लियर है ना, माइनस का ए बी। तो इसका मतलब आज के बाद एक बात याद रखना है, क्या बात याद रखना है कि इंटू क्या आएगा माइनस का रूट का ए बी, ये चीज आपको बिल्कुल से याद होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको ऐसा लिख दो, अगर इसमें अंदर माइनस है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाहर आयोटा और फिर लिखना पड़ेगा। ऐसे देखो इसमें माइनस था तो बाहर आयोटा आ गया, और अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का स्क्वायर रूट ए बी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताई है ये एग्जाम में काफी बार आती है, तो अब हम इसके थ्रू चेक करते हैं कौन से अपने कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से नहीं है, तो देखते रहना ध्यान से। और जो ये आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको बार बार से आपको करना है। अब देखो टू और आयोटा रूट क्या है, माइनस का फोर है, ये लिखा है ना, देखो ये रियल नंबर है, ये तो अपना क्लियर है, उसके बाद इसको चेक करना है। तो आयोटा रूट में क्या है, माइनस फोर, तो क्या करना पड़ेगा, देखो आयोटा ये माइनस बाहर आएगा, बाहर आएगा तो क्या आएगा आयोटा, और रूट फोर हो गया। अभी मैंने बताया ना रूट में माइनस एक क्या था, आयोटा रूट ए था या नहीं था, क्लियर है ना। ऐसे देखो अब आयोटा और आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर और ये रूट फोर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस एक, और स्क्वायर रूट फोर क्या होता है टू, तो आप क्या लिखोगे इसको माइनस टू लिखोगे ना, तो ये क्या आ गया एक तरीके से आपका माइनस टू, तो आपका नया पॉइंट क्या बना इसको सोल्व करने के बाद, टू कोमा माइनस टू, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्योंकि ये भी रियल है और ये भी रियल है, कंप्लीट। तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद आप इसे चेक करो, देखिएगा हमने आपको बताया था कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है और आयोटा इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। उसके बाद देखिए रूट फाइव और ये टू ऐसे हैं, अब देखो नेगेटिव आया स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप क्या लिखोगे आयोटा रूट का फाइव और यहां पे टू। देखो बच्चों ये तो रियल नंबर है, ये तो समझ में आता है, लेकिन देखो ये तो रियल है लेकिन जब ये इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों मिलकर क्या बना दे, एक तरीके से इमेजिनरी नंबर बना दे, और इमेजिनरी नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अपने को तो क्या चाहिए, दोनों रियल होने चाहिए, रियल का मतलब या तो वो नंबर क्या हो रेशनल हो, और जब रेशनल नहीं है तो वो क्या होना चाहिए इरेशनल। अभी बात समझ में, तो ये इमेजिनरी हुआ, इमेजिनरी है तो 100% ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। उसके बाद देखिए माइनस रूट टू और ये क्या है रूट में माइनस टू, देखो माइनस रूट टू क्या होता है, ये तो इरेशनल है और क्या है रियल है ना, आपको इतना तो पता होगा ना रियल नंबर में क्या क्या आता है, रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है, दोनों को सेट मिलके ही तो रियल नंबर बनता है। और यहां देखो ऐसा आया तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो क्या आएगा आयोटा और रूट का टू, क्लियर है ना। और ये क्या बना गया फिर बोलो, इमेजिनरी बना, इमेजिनरी बना तो ये क्या है फिर कंप्लीट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। आप देखो कई बच्चों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो ध्यान देना ये आयोटा छूट जाता है और हम इसे क्या लिखते हैं केवल एक्स कोमा वाई। देखो यहां आयोटा आया है इसलिए क्या होगा ये इमेजिनरी, क्योंकि हमें अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो एक्स कोमा वाई लिखा जाता है,
क्या लिखा जाता है, x कॉमा वाई लिखा जाता है, जबकि यहां पर देखो x तो सही है लेकिन y में आयोटा आया नहीं है, और हमने कहा कि y में आयोटा नहीं आना चाहिए, और मैं आपको बोलूं कि x और y दोनों आयोटा फ्री होने चाहिए तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहां आयोटा फ्री है क्या? नहीं है। आयोटा फ्री होता तो ये क्या बन जाता, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर बन जाता ना। ऐसे देखो इसमें आयोटा आ गया, मतलब आप इनको जब लिखो ना ऐसा 2.5 लिखो, 10.6 लिखो, मतलब इनके किसी के आयोटा नहीं लगा आना चाहिए। अगर आयोटा लग रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा नहीं, और आयोटा फ्री आया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दोबारा सुन लो, अगर आप ऐसा लिखते हो उसमें अगर किसी भी नंबर के आयोटा लगा हुआ है तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, और अगर आयोटा से वो फ्री है मतलब आयोटा नहीं आया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस प्रकार से हमने जांच किया तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है और ये भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में आए हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो। आज के लिए इतना ही।